सब्सक्राइब करें आशु भारद्वाज वीजा एडवाइजर चैनल को और बेल बटन को प्रेस करें ताकि अब तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। ये आपका व्यूज देख सकते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये धर्मशाला स्टेडियम है। मौसम ख़राब हो चुका है, यहाँ का धुंध पड़ चुकी है, बादल आ चुके हैं। ये है मैक्लोडगंज का व्यू। रहा हूँ भागसु नाग, जो मेन भागसु नाग का एरिया है वो ये है। यहाँ पे जो है भागसु नाग जी का मंदिर है और यहाँ से ही सीधा आगे रास्ता जाता है जो कि वाटरफॉल की तरफ जाता है। तो आप समझ सकते हो कि अभी का जो टेम्परेचर नियर अबाउट 30 डिग्री यहाँ का हो चुका है, लेकिन यहाँ पे महसूस गर्मी इसलिए नहीं होती है, बर्फीली हवा है जो एकदम एसी की तरह चिल्ड हवा लगती है, तो वो यहाँ पे गर्मी को महसूस नहीं होने देती है। लेकिन ऊपर बादल जो है अपनी छाया में बादल जो पहाड़ियों को घेर रहे हैं धीरे धीरे, जिसके कारण भी मौसम धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। और टूरिस्ट इतना ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि हद से ज़्यादा, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। जहाँ मर्जी देख लो क्राउड ही क्राउड है। हवा चल रही है काफ़ी ठंडी। यहाँ पे रिहाइश मिलना, होटल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जितना यहाँ पे मतलब टूरिस्ट है। तो वाटरफॉल की तरफ का रास्ता ही है। ये देखिए अंग्रेज जो कि बाहर से आए हुए हैं, ब्रिटिश भारतीय हैं। धर्मशाला की खासियत है यहाँ पे बाहर का टूरिस्ट बहुत आता है, फॉरेनर ज़्यादा होता है, और जो लोग फॉरेन से आते हैं वो नियर अबाउट यहाँ पे महीना महीना दो दो महीने के लिए रहते हैं। खाना पीना रहना आपको सारा मतलब अपने कल्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि खाने में किसी तरह की मतलब कोई कमी है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो नीचे स्विमिंग पूल बना हुआ है, एक नहाने का बना हुआ है, और वाटरफॉल की तरफ जो रास्ता जाता है ये वो है। होटल की बात करें तो काफ़ी अच्छे अच्छे होटल आरामदायक यहाँ पे बन चुके हैं, 5 स्टार तक होटल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मार्केट की बात करें तो काफ़ी अच्छी मार्केट, लोकल मार्केट है जो है, और सबसे अच्छी ग्रीनरी की यहाँ पे बात करें तो ग्रीनरी सबसे ज़्यादा है, जिसको देखकर दिल खुश होता है, मोहित होता है। ये सारे देखिए होटल गेस्ट हाउस बहुत ही अच्छे बनाए हुए हैं। फैसिलिटी देखा जाए तो हर तरह से लेस है, हर तरह से फैसिलिटी से लेस है, मतलब मैक्लोडगंज भागसु नाग। यहाँ पे थोड़ा सा हरासमेंट ज़रूर है, वो सिर्फ यही है कि क्राउड ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पहुँची हुई है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुँचा हुआ है।
बस उसी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। अभी मैं भी बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ गर्मी से चलते चलते, तो नीचे जाने का है रास्ता, स्विमिंग पूल है जहाँ पे आप लोग आराम से नहा सकते हैं। पानी बिल्कुल चिल्ड है, आप देख सकते हो नहाने का। यहाँ पे आर पार होना बहुत मुश्किल होता है, इतना ठंडा पानी है यहाँ का कि यहाँ पे शर्तें लगती हैं कि आर पार जाने की, तो आप समझ सकते हो कितना ठंडा पानी रहेगा। आगे का प्रोग्राम हम आपको दिखाते रहेंगे, हमें तो सोच समझ के आइए, यहाँ का मौसम बड़ा ही अजीब तरीके का होता है, जैसा कि आपको पता है तो बारिश गिर रही है।